हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है कुरकुरे पोहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पैन में घी लेना है और घी जब गर्म हो जाए तो उसमें डालना है हमें पीनट। पीनट को अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है तब तक जब तक कि उसकी छिलके अपने आप निकलने लग ना लग जाएँ। यहाँ पर मैंने थोड़े से कैशू लेकर के कैशू को भी रोस्ट करके रख लिया है। और उसके बाद हमें लेना है मखाना। मखाना को हमें घी डाल करके सेम प्रोसेस से रोस्ट करके रख लेना है। ये स्नैक्स बहुत ही इजी है और आप इवनिंग में चाय के साथ इसको बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। और उसके बाद हम पैन में अगेन घी या ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हमें डालना है राई, करी लीव्स और ग्रीन चिली। इसके बाद हमें पोहे डाल करके अच्छे से पोहे को कुरकुरे होने तक रोस्ट कर लेना है। यहाँ पे आप चाहें तो थोड़े से किशमिश, और जैसे मैंने ये पीनट और कैशू रोस्ट किए हैं और मखाना, वैसे ही आप चाहें तो ड्राई नारियल, सूखा नारियल और किशमिश आप रोस्ट करके डाल सकते हैं। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जब हमारे पोहे 50-60% रोस्ट हो जाएं तो हमें डालना है इसमें हल्दी और नमक। उसके बाद हमें अच्छे से फिर से एक बार रोस्ट कर लेना है। और ये बहुत ही इजी है, बहुत कम टाइम में आपका बढ़िया सा हेल्दी स्नैक्स रेडी हो जाएगा चाय के साथ इवनिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने रोस्ट किए हुए पीनट, थोड़े से कैश्यू और उसके बाद मखाना जो भी मैंने रोस्ट करके रखा था सारे यहाँ पे मैंने मिक्स कर देना है एक साथ। और आप इसमें चाहें तो ऊपर से आप जो भुजिया मिलते हैं आलू के, या फिर जो भी आपको जिस टाइप के भी पसंद हो ना, वो आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं ऊपर से, थोड़ा अलग फ्लेवर देता है। और फिर अगर आपको लगे कि थोड़ा सा नमक की ज़रूरत है तो आप ऊपर से थोड़ा डाल करके मिक्स करके और उसके बाद आप सर्व कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे मेरा रेडी हो गया है सर्विंग के लिए। तो आपको कैसी लगी हमारी ये स्नैक्स रेसिपी आज की, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप ये कैसे कुरकुरे पोहे बनाते हैं उसको भी प्लीज़ बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।